नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज बनाएंगे हम ईगल का ड्राइंग, तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो चलो दोस्तों ड्राइंग शुरू करते हैं। अभी ये ज्योमेट्रिक जो टूल से हमने उसको सेंटर में रखा है, उसका पॉइंट सेंटर से एकदम सीधे लाइन में रखा है 90 डिग्री में, ठीक है। अभी इसको ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमें 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से उसको ऊपर रखना है और यहाँ 90 डिग्री राइट आना चाहिए बैलेंस में। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। अभी हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और ऊपर का सब इरेज कर देंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूर पे एक सीधी लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री में परफेक्ट होगी दोनों तरफ। तो हमें इस टूल को इस तरह रखना है और इसका पॉइंट यहाँ मैच करना है ताकि हम जो ईगल बना रहे हैं उसका वो पंख तैयार हो जाए। और इसको 1.5 सेंटीमीटर नीचे रखना है, करीबन 1.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें इस टूल को उल्टा रखना है और यहाँ वही पॉइंट मैच करना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर नीचे लेना है इस लाइन से, 1.5 सेंटीमीटर नीचे, इस लाइन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे, ऐसे करना है ड्रॉ। तो इस टूल को हमें इस तरह से रखना है, यहाँ पे उसका पॉइंट से मैच करना है। और यहाँ जो हमारा नीचे ट्रायंगल है, जो छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, वहां तक हमें लाइन खींचनी है, यहां तक ट्रायंगल तक। अभी हमें इस सेट स्क्वायर को इस तरह से रखना है कि हमारा जो नीचे का जो ट्रायंगल बना हुआ है वहां पे इसकी जो सीधी लाइन है वो मैच करनी है, उसको टच करना है पॉइंट को। और यहाँ का पॉइंट जो है इसका ट्रायंगल का, वो नीचे की लाइन को मैच करना है। अभी इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा की जितनी भी लाइन्स है उतनी सब रब कर देंगे, यहाँ अंदर की और ये सीधी और ये क्रॉस लाइन, ये सब इरेज कर देंगे। अभी हमें इस स्केल को इस तरह से रखना है कि इस पॉइंट को मैच हो जाए, टच हो जाए, और यहाँ जो नोक है उसकी, यहाँ की, यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है, उसके बाद स्केल को टच करना है इस सीधी लाइन को, ओके। यहाँ पॉइंट को टच करना है। अभी इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है, यहाँ जो ट्रायंगल है अपना उसको टच करना है और ये सेंटर पॉइंट जो होते हैं उसको, बीच में की लाइन है उसको मैच करना है। और इसको अंदर से हम ड्रॉ करेंगे, अभी दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस प्रोटेक्टर को ऊपर रखना है और यहाँ से जैसे पहले 2 लाइन ड्रॉ की थी वैसी यहाँ पे 2 ड्रॉ करनी है। अभी हम इसकी आईज बनाएंगे और उसके लिए इसको यहाँ हमें ड्रॉ करना है, लास्ट जो सर्कल है छोटा वहां पे ड्रॉ करना है। अभी दोस्तों स्केल की मदद से हमें इसकी चोंच ड्रॉ करनी है। अभी हमें इस सेट स्क्वायर को इस तरह से रखना है और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम दूसरी साइड को भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अभी हम इस सेट स्क्वायर को वी ड्रॉ कर लेंगे यहां पे। अभी इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है सीधा, सब 90 डिग्री में ही रखा है हमने, 90 डिग्री में इसको सीधा रखना है और जो बीच का छोटा सर्कल है उसको यहां हमें ड्रॉ करना है।
इस तरह से। तो हमें इस प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है कि इस लाइन को मैच हो जाए, टच हो जाए, ये पॉइंट इस ट्रायंगल को टच हो जाए, इस तरह से हमें रखना है। और हमें नीचे की लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे टच करना है, यहाँ पे टच करना है। अभी इस सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे साधारण 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाए और यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, ये देखा, इस पॉइंट को हमने टच किया है, जो सीधी लाइन है यहाँ से इसको हमने टच किया है। और हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करनी दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और हमें यहाँ पे भी सेम उस तरह डिस्टेंस रखना है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और वैसे ही यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारा ड्राइंग अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसको आउटलाइन कर लेंगे मार्कर से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ड्राइंग अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम फास्ट फॉरवर्ड में उसका कलरिंग दिखाते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ड्राइंग अभी कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।